ढोल क्यों बजा रहा है? वो क्या है ना, इस महीने रोशन ने 100 से भी ज्यादा गड्डियों को रिपेयर किया है। ओहो। और इस महीने प्रॉफिट है ना डबल ट्रिपल हुआ है। आई बात समझी ना, गोगी गेलो चाहिए। अरे अरे कॉन्ग्रेचुलेशन जोड़ी, मुबारक, मुझे पता चला। अरे क्या बात है दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको बता दूंगा। हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ, क्या बात है, क्या सीक्रेट है? तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से निकलो, तुरंत चप्पल पहनो और पाउडर गली के कॉर्नर पर जयंबे टी स्टॉल है ना, वहाँ आ जाओ। अरे भाई क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो, बोलो ना भाई बात क्या है। आप अभी के अभी निकलिए और तुरंत वहाँ आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है। जयंबे जयंबे जयंबे, पता नहीं क्या सीक्रेट होगा। और ये भी पता नहीं कि सीक्रेट में अच्छी खबर है कि बुरी खबर है। पोपटलाल तुम बताओ ना, किस लिए बुलाया भाई, घर से बहुत बहाना बना के निकले भाई। हाँ अभी बताता हूँ, आप लोग बैठिए। आई 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 बैठ 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 आई। हाँ बोलो, सब लोग बैठ गए। अब गौर से सुनिए, आज की रात खलबली मचने वाली है, भारी धमाल होने वाली है, आज की रात तूफानी रात है। अरे यार ये ग्लोबल वार्मिंग तो एक दिन हमारी जान लेगा, इसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम पागल हो गया। अभी आज रात को बारिश का तूफान आने वाला है कि बर्फ का? आज की रात मस्ती का तूफान आने वाला है, हम सबकी दुनिया हिल जाने वाली है। मतलब कैसे भाई? आज की रात पार्टी की रात है। ओहो, तुम पार्टी दे रहे हो, क्या वो तुम्हारी शादी हो गई? चिट्ठालाल दुखती नस मत दबाओ, पार्टी मैं नहीं सोड़ी देने वाला है। भाई सोड़ी को बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो अपनी खुशी हम सबके साथ बांटना चाहता है। अरे हाँ सोड़ी को बधाई भी तो देनी है, बधाई देना रह गया उसे। चलो फोन लगाते हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं मेहता साहब फोन मत कीजिए। अरे मेहता साहब तुम्हारे फोन से फोन नहीं कर रहे भाई। भाई जेठालाल मेरे कहने का मतलब है फोन से बधाई देने का मजा नहीं है। आज रात को जब हम सोड़ी से मिलेंगे तो उसे बहुत बड़ा बुके देंगे और बधाई देंगे। क्यों आदि भाई? सही बात है, और बुके मेरे साइज का हो तो और भी सही बात है। ये सही बात है। पोपटलाल ये बात तो तुम हमें फोन पे भी बता सकते थे, तो सीक्रेट सीक्रेट बोल के यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे भाई भिड़े, अगर मैं फोन में बता देता और खुशी के मारे अगर आप लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, घर में उछल पड़ते, तो मेरी भाभियों को पता नहीं चल जाता। और अगर ऐसा होता तो आप लोग घर से रात को पार्टी के लिए निकल नहीं पाते, पार्टी कैंसिल करनी पड़ती है कि नहीं? और इसी वजह की वजह से सोड़ी ने भी आप लोगों को डायरेक्टली फोन नहीं किया। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी। अच्छा, और एक खास बात। हाँ बोला। आज रात को घर से निकलते वक्त घर की चाबी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्टी से आने में हमें लेट हुआ तो डोरबेल मारने की जरूरत ना पड़े। पर भैया घर की चाबी लेके कहाँ पहुंचना है वो तो बताओ, पार्टी किस होटल में है? हाँ जी, तो दिल थाम के बैठिए मस्ती के मस्तानों, आज रात जिस जगह हम पार्टी करने वाले हैं, हाँ, उस जगह का नाम है नशीला ढाबा। क्या नशीला ढाबा? ओ भाई अपना काम करो ना, हमारी बातें क्या सुन रहे हो? नशीला सकता, मैंने क्या कर दिया? क्यों क्या हुआ? अरे भाई आज रात को मैंने बापूजी दया और टप्पू के साथ बाहर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है, वो लोग तो तैयार नहीं थे, मैंने डोट अपन करके उनको तैयार किया। अभी जेठा भाई कोई भी बहाना बनाइए, लेकिन अपना घर वाला प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, पार्टी में जाना है। अरे हाँ भाई जेठालाल, भाई चोरी ने पार्टी हम सब लोगों के लिए रखी है, और ऐसे प्रॉफिट हुआ है उसको तो ऐसे मौके रोज रोज थोड़े आते हैं भाई, कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सही बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है मैं कुछ बहाना बनाता हूँ, मेरा घर का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, हम लोग जाएंगे साथ में रात। ठीक है तो एक बार फिर मैं आप सबको याद दिला दूं, ये एक सीक्रेट पार्टी है, इस सीक्रेट पार्टी के बारे में आप में से किसी के भी घर पे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सीक्रेट है।
सोड़ी डायरेक्ट 9 बजे नशीला धाबा पर हमारा इंतजार करेगा और हम सब पाउडर गली के नाके पर 8:30 बजे मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? नहीं। सब मेरा चाय नाश्ते का पैसा कौन देगा? चलो बच्चों। अरे ठीक है, सोचना पड़ेगा। अरे सुनो, क्या करूं क्या करूं, नशीला ढाबा जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं? बापूजी और दया को सीधा फोन करके बोल दूं? जेठिया जेठिया, तेरी वजह से मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं गया, उन सबके इतने ताने सुने और तू नशीला ढाबा चला गया। आपने मेरे वीजा के सूट के लिए मुझे जाने नहीं दिया और आप खुद सूट बूट पहनकर नशीला ढाबा पहुंच गए। ये आपने क्या किया पापा, ये आपने क्यों किया पापा, क्यों? आखिर क्यों? अरे क्यों, हम सब लोग इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? ओ ला मेरी छड़ी ला। नहीं। क्या हुआ सेठ जी, क्या कोई बुरा सपना देखा? नहीं तो? तो फिर आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? नहीं, अभी आप वहाँ क्या कर रहे थे? टीवी चेक कर रहा था, इसीलिए मैं चिल्लाया। नहीं चेक मत करो, रहना तो बराबर चल रहा है भाई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाउरी। हाँ हाँ, मुझे पता है आपने मना किया है कि काम के वक्त दुकान पे नहीं आना चाहिए। तो? लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए आना पड़ा। क्या हुआ बाउरी जी? क्या है ना बागेश्वर जी, मेरे मामा के चाचा के बेटे की बेटी को KK हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो बहुत सीरियस है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। बाप रे, बागा तो डॉक्टर भी है? हाँ हाँ, मोबाइल का डॉक्टर तो मैं हूँ ही ना सेठ जी। तो तुम्हारे मामा के चाचा के बेटे की बेटी बिगड़ी है कि बैटरी बिगड़ी है? नहीं नहीं, बेटी बिगड़ी है, मेरा मतलब बेटी की तबीयत बिगड़ी है। तो उसमें भागा क्या कर सकता है? वो क्या है ना कि मुझे पता नहीं है कि KK हॉस्पिटल कहाँ है, मतलब कहाँ है ये पता है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे ये नहीं पता। तो आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? हाँ हाँ, वो कैसे बताऊँ? मुँह से बता भाई। नहीं सेठ जी, वो KK हॉस्पिटल का रास्ता बहुत ही अटपटा है ना, बहुत सारे लेफ्ट राइट है, अगर एकाध लेफ्ट भी बावरी जी चूक गई तो बिचारी पूरा दिन घूमते रहेगी। बागेश्वर जी, आप ही मुझे वहां तक छोड़ आइए ना प्लीज। क्या? नहीं 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 बावरी जी, मैं चालू दुकान छोड़ के आपके साथ नहीं चल सकता। नो बागा नो, तो मेरा भतीजा है, इनसेंसिटिव का नहीं। एक निसहाय नारी तुझसे सहाय मांग रही है और तू उसे मना कर रहा है, कहां गई तेरी इंसानियत? अरे सेठ जी के सामने क्या देख रहा है? ये इंसानियत के पाठ हमने सेठ जी से ही सीखे हुए हैं। उनके सामने उनकी सिखाई हुई बात का पालन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सेठ जी की क्या इज्जत रह जाएगी? अरे कौन खरीदेगा हमारे यहाँ से वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज? बताइए सेठ जी, मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, हाँ जा जा, छोड़ के भाई, जा जा। जी सेठ जी, आइए बावरी जी। सेठ जी, वन सेकंड थॉट इन माय माइंड। मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार ये आया कि बावरी ने बागा के साथ घूमने के लिए कहीं किसी की बीमारी का बहाना तो नहीं बनाया? अरे अभी आपने इंसानियत के ऊपर इतना लंबा भाषण दिया और अभी ऐसा बोल रहे हैं? दोनों तरफ कैसे बोल सकते हैं आप? सेठ जी, आई ऑलवेज लुक एट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, मतलब मैं तटस्थ हूँ, मैं हमेशा सिक्के की दोनों तरफ देखता हूँ। तो अभी आप कहो तो मैं उनके पीछे जाता हूँ चेक करने। एक काम करते हैं, दुकान बंद कर देते और मैं भी आपके साथ आता हूँ चेक करने। हाँ हाँ, एक से भले दो, मोर द मेरियर।
अरे मोर ने ढेल ने मुंह को तड़के और दुकान संभालो। जी जी सेठ जी, ऑन थर्ड थॉट बावरी इज वेरी होनेस्ट गर्ल, मतलब वो एक प्रामाणिक लड़की है। मुझे नहीं लगता कि उसने बीमारी का बहाना बनाया होगा। बावरी ने भले बहाना ना बनाया हो, लेकिन मैं तो बीमारी का बहाना बना ही सकता हूँ। मिल गया तोड़ मिल गया। किसी ने सच ही कहा है, बुराई में भी भलाई छिपी होती है। बाघा और बावरी को जाने दिया तो उसमें से मुझे मस्त आइडिया मिल गया। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो गोडाउन में एलसीडी कितने पड़े होंगे? अंदाजन? नहीं, अंदाजन नहीं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ। जी सेठ जी, मैं अभी गोडाउन में जाकर चेक करके आपको सही बताता हूँ। ठीक जाइए। अच्छा नटू काका जी, आप जा ही रहे थे, काम करो ना, वॉशिंग मशीन और फ्रिज का भी स्टॉक देख लीजिए। जी सेठ जी। मैं लेती हूँ बापू जी। हेलो। हाँ दया, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा, आपकी आवाज इतनी भारी क्यों हो गई? वो दया, एक अशुभ समाचार है। क्या हुआ? चूरन भेजू? अरे चूरन भेजना जितना छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े अशुभ समाचार है। रात को हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ बो? बाबूजी टप्पू के पापा कह रहे कि आज हम बाहर खाना खाने के लिए नहीं जा पाएंगे। ला मुझे फोन दे। या बबू चक, तुझ में कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? तेरी वजह से मैंने अपने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब तू अपना बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है? तेरा कोई दूसरा प्रोग्राम लक्की हो गया है क्या? नहीं नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल वो मेरे एक दोस्त के पिताजी चल बसे, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, ले बहू से बात कर। हम बोलिए टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे वो बापूजी को बताया मैंने अभी, वो एक मेरे दोस्त के पिताजी चल बसे हैं, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा रात को। कौन से दोस्त? वो हमारे व्यापारी सर्कल के हैं, तू नहीं जानती उनको? अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं रात को घर आऊंगा, कपड़े बदलूंगा और निकल जाऊंगा। हाँ तो रात का मेरा खाना भी मत बनाना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू बाउरी, थैंक यू, आइडिया काम कर गया। धूम मचाले, धूम धूम मस्ती की पार्टी, धूम आज होगी पार्टी, धूम धूम मचाले 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 मचाले। माधवी, अरे किती 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 काम करते माधवी, तुम कितना काम करती हो। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आओ नको, आओ दे, मैं कर लूंगी, असु दे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। आहो नको शाला, मुझे नहीं चाहिए चाय। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बनाता हूँ। आहो क्या हुआ है आपको, तबीयत ठीक है ना आपकी? क्यों, क्या ये चाय वाय का है, आए का है? अरे मैं पति धर्म निभा रहा हूँ माधवी, हम दोनों पति पत्नी है। अच्छा ये अच्छा क्या, जैसे तुम मेरी अर्धांगिनी हो वैसे मैं तुम्हारा अर्धांग हूँ। पति पत्नी मतलब क्या, जैसे धरती और आकाश। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? हाथी भाई के घर। क्यों, क्या हुआ उनको? उनको नहीं, आपको कुछ हुआ है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, अर्धांगिनी का अर्धांग का है और पति पत्नी के लिए धरती आकाश का एग्जाम्पल, जिनका कभी मिलन ही नहीं होता। देखो माधवी, मेरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। क्या बात, क्या है, सीधा पॉइंट पे आइए।
नहीं कुछ खास नहीं, वो अभी रास्ते में पिताजी मिले थे। ओगो भाई, चिपड़ियों से पिताजी आए हैं? आपने मुझे बोला भी नहीं, और कहाँ है का? माधवी माधवी, चिपड़ियों से बाबा ना, तुम्हारे पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट के पिताजी की बात कर रहा हूँ। वो मेरा है ना स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? हाँ, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बलवानी। नहीं, कौन है ये? मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ वही वही है? उसके पिताजी मिले थे, वो कह रहे थे कि आज रात हमारे घर पे आइए। क्या है, उनको उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है। वो उनका बेटा अभी टेंथ में है ना, तो वो टेंथ के बाद कौन सी फैकल्टी ले, मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स, तो वो सब डिस्कस करना है हमें। तो उन्होंने मुझे खाने पे घर पे बुलाया, तो मैं वहीं पीकर खाऊंगा, मतलब वहीं पे खाना पीना होगा। तो मैं जाऊं ना? इतनी सी बात थी, कमाल है। मतलब पूछना मेरा फर्ज है ना माधवी। तो जाऊं ना मैं? हाँ हाँ जाइए। थैंक यू। आहो, लेकिन वहां खाना खाने जा रहे हो तो पेट भर खाना, नहीं तो वहां शर्माओगे और यहाँ आके डिब्बे ढूंढोगे। अरे नहीं नहीं, आज रात को तो मैं पेट भर के ही खाना खाऊंगा। जाऊं ना मैं? हो जा। थैंक यू। वाह वाह, नो टेंशन, मिल गई परमिशन, आज तो पार्टी में धमाल करेंगे। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। अंजलि को क्या बोलूं कि देर रात तक बाहर रहने दे मुझे। हेलो। अरे व्हाट अ सरप्राइज तारक, मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। अरे क्या बात है, मेरी प्रेरणा की मूर्ति, मेरे प्यार की देवी, मेरी खुशियों की सरिता, मतलब तुम मुझे याद कर रही थी शायद, इसीलिए मुझे अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे अंजलि। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या क्यों? क्या क्यों क्या? अरे मेरे पतिदेव, बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुन के उछल पड़ेंगे, बस आ जाइए। हाँ उछल तो मैं रहा हूँ, अभी भी ये बात सुन के उछल रहा हूँ, लेकिन बोलो ना क्या हुआ। आपकी प्यारी पत्नी ने खास आपके लिए आपकी पसंद का मसालेदार खाना बनाया है। अफलातून चीज कैप्सिकम करी, स्टफ पराठा, हरी भिंडी, गुलाब जामुन एंड रबड़ी सैलेड के साथ, स्पेशली तारक मेहता के लिए। गुलाब जामुन भी? अच्छा, ये इतना सब कुछ तुम आज मेरे लिए बनाने वाली हो अंजलि? हाँ, खुश ना? अरे खुश नहीं, फुस फुस। अरे भाई आज मुझे आते आते देर हो जाएगी घर पे। क्या? अरे भाई बॉस के साथ मेरे प्रमोशन की मीटिंग है। क्या बात कर रहे तारक, आपका प्रमोशन? और अपने प्रमोशन के लिए तो मैं इनकार नहीं कर सकता ना, बॉस है, मीटिंग कितनी देर चले कौन बता सकता है। तो ये जो आज तुम जो भी बनाने वाली हो इसको कल तक पोस्टपोन कर देते ना, कल खाऊंगा मैं। सॉरी तारक, आज ही मसालेदार फूड डे था, कल से फिर से रूटीन, करेला जूस, सूप, सैलेड। ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन देर तो हो ही जाएगी आते आते। ओके हाँ, देर रात की पार्टी का इंतजाम तो हो गया, धूम धूम। क्या तुम आज रात को बाहर जाने वाले हो? हाँ वो बबीता, क्या है आज लैब में एक एक्सपेरिमेंट है, चमगादड़ पर। किस पर? चमगादड़ as in bats? हाँ। तुम चमगादड़ पे क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? यही कि ये चमगादड़ हमेशा ऐसा उल्टा क्यों रहते हैं, सीधा क्यों नहीं रहते, उसका कोई रीजन है या फिर उनके वाइफ ने उनको कुछ पनिशमेंट दिया है? प्लीज इट्स नॉट फनी, मुझे लगा था आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से, तो हम लोग को एक मूवी देखने जाएंगे, कितनी सारी मूवीज देखना हमारा पेंडिंग है। सॉरी सॉरी बबीता, लेकिन मूवी देखने हम लोग कल चले जाएंगे। ओके पर हाँ बबीता, वन मोर थिंग, मैं अभी जाऊंगा ना तो डायरेक्टली रात को 2 बजे के बाद आऊंगा। ओके इतना लेट? वो क्या ना बबीता, एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लगेगा वो मैं बोल नहीं सकता ना, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि तुम चिंता मत करना, मेरे को लेट हो जाएगा। ओके मेरा लाइन तो क्लियर हो गया, मैं डॉक्टर हाथी को फोन लगाता हूँ, उनका क्या होता है। हाँ बोलिए अय्यर भाई। डॉक्टर आती,
आपका पार्टी का सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं अय्यर भाई, बहुत सोचा लेकिन अभी तक कोई बहाना नहीं ढूंढ पाया। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जाने से पहले कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लूंगा। देखिए जो भी बहाना बनाना है वो एकदम स्ट्रांग बनाना, पकड़े मत जाना वरना हम सब लोग पकड़े जाएंगे और पार्टी का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सही बात है। डॉक्टर जी मैं फोन रखता हूँ, बबीता ने हमारा बात सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके सही बात है, सही बात है। क्या बहाना बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, पति चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलने से क्यों डरता है? कोमल से कैसे झूठ बोलूं? हे भगवान, कोई ऐसा रास्ता निकालना कि हमारी पत्नी हमें पकड़ न ले। दोस्तों पार्टी शार्टी करने के लिए हम गोकुलधाम के सभी मर्दों ने अपनी अपनी बीवियों से बहाने बना लिए, लेकिन हाथी भाई अभी तक कोई बहाना नहीं तलाश पाए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे लोग पार्टी के लिए चले जाएं और हाथी भाई घर पे ही रह जाएं। लेकिन इससे बढ़कर एक संभावना और है, ये गोकुलधाम का जो महिला मंडल है ना, ये बहुत स्मार्ट है। अगर इन्होंने हमारी इस चोरी की पार्टी यानी कि जो हम बहाने बना रहे उसे पकड़ लिया तो भाई अपनी अपनी बीवियों से झूठ बोलना उतना ही कठिन है जैसे किसी रस्सी पे चलना। रस्सी पे चलने का मतलब है कि आपका संतुलन बिगड़ा नहीं, कि आप मुंह के बल गिरे नहीं। और ठीक ऐसा ही बीवियों के सामने भी होता है, अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो फिर आप मुंह के बल गिरेंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है गोकुलधाम में, हमारी पार्टी शार्टी होती है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आता है। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।